दोस्तों आईपीएल के नए सीजन यानी कि सीजन 17 से पहले दुबई में हुए मिनी ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने मनपसंद खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगाई और उनके अपने साथ जुड़ा कुल 72 खिलाड़ियों पर इस ऑक्शन में बोली लगाई गई, जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की मिचेल स्टार्क सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने। कोलकाता की टीम ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली 24.75 करोड़ रुपीस के साथ इस तेज गेंदबाज को अपने साथ जोड़ लिया। तो वहीं हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे, जिन्हें 11.75 करोड़ रुपीस देकर पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। ऐसे में दोस्तों कई क्रिकेट फैंस के दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने महंगे बिकने के बावजूद अगर ये खिलाड़ी आईपीएल में चोटिल हो जाते हैं यानी कि इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या उन्हें ये सारे पैसे दिए जाएंगे, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उन्हें उनकी सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि क्या नीलामी में लगाई गई बोली की पूरी रकम खिलाड़ियों को मिलती है। इसका जवाब है हाँ, जो भी बोली की रकम होती है वो खिलाड़ी की सालाना रकम होती है। हाँ, इस पर टैक्स नियमों के हिसाब से लगता है। मान लीजिए जैसे चेन्नई ने समीर रिजवी को 8.4 करोड़ रुपीस में हासिल किया है तो ये पैसे उनके होंगे जिस पर टैक्स उसके बाद लगाया जाएगा। ये पूरे साल के लिए दी जाने वाली रकम होगी। विदेशी खिलाड़ियों के मामले में जो भी रकम होती है उसका 20% उनके क्रेडिट बोर्ड के खाते में जाता है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए की रकम मिली तो उसमें से 4 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया को जाएंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि खिलाड़ियों को आखिर पैसे कब मिलते हैं। तो देखिए ये हर एक फ्रेंचाइजी टीम अलग अलग तरह से देती है। कुछ पूरी रकम पहले ही दे देते हैं जबकि कुछ फ्रेंचाइजी 50% सीजन से पहले और बाकी की रकम उसके बाद देना पसंद करते हैं। तो वहीं कुछ टीमें इसे 3 पार्ट्स में देती हैं। अब फाइनली आपको बताते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल में चोटिल हो जाता है तो उसे सैलरी कैसे दी जाएगी। तो इसको लेकर भी 2 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए किसी खिलाड़ी को सीजन के दौरान चोट लगी या कोई खिलाड़ी पहले से चोटिल हो जाता है तो दोनों ही परिस्थिति में यानी कि दोनों ही सिचुएशन में अलग तरह से सैलरी दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी सीजन से पहले चोटिल हुआ तो वो खेलने नहीं आया तो टीम को पैसे चुकाने की जरूरत नहीं। अगर खिलाड़ी मैच के लिए अवेलेबल है और एक भी मैच खेलने नहीं मिला तो उसे पूरी सैलरी दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए इस सीजन यानी कि आईपीएल सीजन 17 के लिए जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उनमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स और हर्षल पटेल शामिल हैं। अब ऑक्शन तो हो चुका है, यहाँ पर टीमों ने अपने साथ इन खिलाड़ियों को जोड़ भी लिया है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या इतनी मोटी रकम पाने के बावजूद ये खिलाड़ी क्या चोटिल हो जाते हैं या फिर आईपीएल सीजन 17 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच लेते हैं। वेल, इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर आपका क्या कहना है, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क और हर्षल पटेल को लेकर, कि आखिर ये 3 खिलाड़ी इतने महंगे बिके हैं, क्या ये इतने महंगे बिकने डिजर्व करते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो यहाँ कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज की डेट में आईपीएल जो है वो भारत में खेला जाता है, लेकिन भारत में खेले जाने के बावजूद भी यहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर बड़ी बोली लगाई जाती है। ऐसे में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है कि भारत में हो रहे आईपीएल को लेकर विदेशी खिलाड़ियों का जो क्रेज है वो कितना सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट टाइम गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।